ये ट्रिप इस लोकेशन के साथ यू नो पूरा वसूल होता है। ना मैं अपने बाएं तरफ कुछ देख पा रहा हूँ और ना मैं अपने दाएं तरफ कुछ देख पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ खाई दिखाई दे रहा है। लाइफ में काम और धंधा संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो क्या है ना कि काम और धंधे से भी बढ़कर एक चीज होती है और वो है जिंदगी। तो जी अभी हम आ चुके हैं होंगू लेक करके एक जगह है वहाँ पे, एंड व्यू इज़ रियली गुड। यहाँ पे बोटिंग फोटिंग भी होता है, बट मेरे को किसी भी लोकेशन से मैं नीचे भी आ रहा हूँ या फिर ऊपर भी उठ रहा हूँ तो एक्लमेटाइज होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो लाइक 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद सब कुछ सही हो रहा है। जैसे नाथुला में जब रुका था तो 5-10 मिनट बाद सब ठीक हो गया था, सो यहाँ भी सेम सीन है। बट यहाँ का व्यू बड़ा मस्त है। अगर रात को ऐसी जगह पे रुकते हैं आई थिंक, और अगर बादल नहीं होता है तो आई कैन गेट अ रियली गुड व्यू ऑफ द होल मिल्की वे गैलेक्सी, मेरे को लग रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता अभी। सो देखते जाओ, पता नहीं क्या हो। आई आपको दिखाता बोला है, वहाँ पे एक दिख रहा है बंकर है, ये वाला लोकेशन बेस्ट। अब ये किसका है पता नहीं, इंडिया चाइना किसका पता नहीं। दिस इज द होल ब्यूटी, मतलब वेदर क्लियर होने के वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सारे दोस्त नीचे हैं वहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सो अभी हम लोग फाइनली पहुँचे न्यू बाबा मंदिर। ओल्ड में इसके बाद जाने का प्लान है, बट अभी शाम हो रहा है ना तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या जूता खोल के जाना होगा? राइट, फ्लोर इज टू मच कोल्ड। हाँ, टू मच कोल्ड दैट फ्लोर, बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, फ्रीजिंग। कैसे पैर रखा है? वॉशरूम दिस वे, साइड वेज। ओके, तो तुम लोग चले गए क्या? आ गए करके हम लोग। क्या किया? ऐसा खोला, साइड वेज किया, मत्था टेका, प्रसाद लिया। मत्था कहाँ से टेका? दट मूर्ति। अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ, यस राइट। ये जो सामने जो बैरिकेड है देयर एंड सी हंटेड। ओके, प्रसाद कहाँ से मिला? दट गाय। ओके ओके, ओ भाई साहब किधर आ गए, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, ऊपर से नीचे से सब जगह से कोहरा बादल। वॉशरूम जा रहे थोड़ा, अभी तो कितना बजा है टाइम ही नहीं पता, घड़ी फड़ी सब ढक गया है। बातें बताओ तो आप लोगों, जिन जिन लोगों को बाबा मंदिर के बारे में नहीं पता है, राजा है समथिंग टू शेयर। Actually not this one, this is new Baba Mandir. Yes, yes. But the story behind Baba Mandir is that ki there is some Baba, actually he is not Baba, he was a normal guy, was in army. So once upon a time he went to supply arms, bullets and guns to his other fellow members. So while going there landslide ho raha tha, to wahan pe kya hua ki ek patthar wahan pe aake that hit him and he died there and then and there only. So bahut dino ke baad log unke body ko dhoond nahi pa rahe the, right? To kya hua fir ki ek बंदे को जो उसका दोस्त था, सपने में आया कि मेरा बॉडी यहाँ पे है अभी चट्टान के नीचे, बट नोबडी बिलीव्ड। बट अगेन दैट सेम सपना एक और बंदे के सोने के टाइम आया, देन दे थॉट ऑफ कि चलो देखते हैं इतना बार बार क्यों आ रहा है, देन दे डिग इन दैट प्लेस एंड दे फाउंड एक्चुअली बॉडी मिल गया था, बॉडी मिला। तो उसी चीज़ को एक्चुअली सिग्निफिकेंस मान के कि बाबा अभी तक गए नहीं है। And his retirement was done in 2016, as far as we know, after actually. His demise also. Yes. So that is how this person is treated here, actually. Yeah, right. और सबसे बढ़िया बात है कि ये जगह पे अगर कोई आओगे तो ये पूरा चेरापूंजी वाला vibes देगा। अभी दो मिनट पहले चेरापूंजी गए हो तो। And there was a nice hill over there. यहाँ पे एक nice peak was there. इन्होंने देखा है। देखा, right? अभी it is not there now. अभी पीछे भी देख सकते हो इधर। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। So actually this sweater अभी लग रहा है कि ये काम का है यहाँ पे। हाँ, exactly, ये this is a very good purchase, very good purchase. जिनको लेना है Decathlon में जाओ, 2500 या 3000 में रेंज में ये जैकेट आता है। Too good, too good. Go and get it. And this trip is going amazing, man. Nice. बहुत अच्छा, expectations is. अरे मेरा मुंह से पत्थर से This is what happens. That means you are enjoying if you are not able to talk. चलो next location पे चलते हैं। Thank you.
ये है कुपुप। मुझे पता नहीं था कि हम इस लोकेशन पे आने वाले हैं, अभी अभी पता चला। एंड यहाँ पे जो खूबसूरती है ना, क्या बताए, बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं कांप रहा हूँ अंदर से, नेगेटिव में लग रहा है टेम्परेचर है और हवा दे रहा है, तो बहुत एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा चिलिंग वेदर है। वीडियो के थ्रू आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये है क्या जगह, आप खुद आओ एक्सपीरियंस करो, दैट इज़ हाउ यू कैन नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्लेस इज़ एक्चुअली। अभी बस पूछ रहे थे कि कितना टाइम हो रहा है, कोई टाइम नहीं बता हमारा, साढ़े चार इंडिया टाइम के हिसाब से साढ़े चार, बट मोबाइल फोन्स में इट इज शोइंग 7:15 चाइना टाइम, 7:15 बाप रे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबकी फटी पड़ी है, ग्लव्स नहीं लाए, ये देखो मेरा हाथ दो जगह पे मतलब ये देखा फटी पड़ी है, पूरा कौन सा टाइम हिसाब में लग रहा है, 4:30 समझो या 7 समझो, 4:30 पकड़ो, 4:30 ही है इंडियन टाइम, ठीक। लेकिन एक बार अगर नेट ऑन कर लिए ना तो आपके टाइम यहाँ पे 7:30 हो जाएगा, ये मैंने सुना था मेरे दोस्त लोग, अपडेट हो जाएगा तो अच्छा, तो नेट ही नहीं ऑन हो रहा है तो जिसके कारण अपडेट नहीं, मतलब हमको पता भी नहीं है कि हम कौन से टाइम फ्रेम में हैं, डार्क, वो डार्क सीरीज देखा है ना, वी आर इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज क्या था भूल गया मैं। आपको यकीन नहीं होगा कि हम कहाँ उतरे और मेरे पीछे है क्या, That is the whole Kanchenjunga range, right? Yes. ये जो आप देख रहे हो और ये पूरा बादल से कवर किया है और पूरा सन रेज बादल के ऊपर आ रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है, वाव, ये मैं देखना चाहता था और करीब से, वाव, ये ट्रिप इस लोकेशन के साथ यू नो पूरा वसूल होता है, आई जस्ट लव्ड इट। और इसके बाद हमारा लास्ट व्यू पॉइंट था ओल्ड बाबा मंदिर, जहाँ पे हम लोग उतरे नहीं क्योंकि जैसा आपको देख रहा है चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। और उस दिन मुझे पता चला कि पहाड़ों में सूरज डूबने के बाद फील कैसा होता है, सच बता रहा हूँ मेरा फट रहा था उस टाइम। तो ओल्ड बाबा मंदिर से हमें जाना था नाथांग वैली, जो 10-15 किलोमीटर की दूरी पे था। ओल्ड बाबा मंदिर के बाद जो रास्ता था, आई फील लाइक दैट वॉज द स्केरिएस्ट रोड आई हैव एवर बीन टू। ना मैं अपने बाएं तरफ कुछ देख पा रहा हूँ और ना मैं अपने दाएं तरफ कुछ देख पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ खाई दिखाई दे रहा है और गाड़ी के हेडलाइट की वजह से सिर्फ 5-6 मीटर तक आगे का दिखाई दे रहा है, और वो रास्ता भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सिर्फ ईंट और पत्थर से बना था वो जगह। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि गाड़ी शायद पलट भी जा सकता है। थैंक गॉड द ड्राइवर वॉज वेरी स्किल्ड कि वी सेफली रीच्ड नाथांग वैली, जहाँ पे एक्चुअली एक होम स्टे में हम वो रात बिताने वाले थे। तो जी फाइनली एक एडवेंचरस सा रास्ता कवर करने के बाद लकड़ियों का सीढ़ी चढ़ रहे हैं क्योंकि वी आर एट अ होम स्टे और ये नाथांग वैली में है। सांस थोड़ा थोड़ा फुल रहा है बट इट्स टोटली फाइन एंड इट्स अ 4 शेयरिंग रूम जो हमें मिला है, दो बेड काफ़ी अच्छा है, बट जितना समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये कुछ भी खोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -2 के नीचे चला जा चुका है और यहाँ पे -10 तक भी हो सकता है। तो आई हैव नो आइडिया हाउ द नाइट इज गोइंग टू बी, बट अभी मैगी वैगी सब कुछ बन रहा है और सब कुछ बहुत चार्ज देना है। एक चीज़ आपको बताना है, नाथांग वैली अगर आप स्टे करने का सोच रहे हो, यूज़ एयरटेल सिम्स एकदम परफेक्टली फाइन विथ 100% सिग्नल चल रहा है, जियो वोडाफोन सो दोस्त के फ़ोन से ही सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं। थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे, भयंकर ठंड है भाई। दिस इज़ द रूम दैट आई एम गोइंग टू स्टे, सब कुछ चार्ज देना है अभी।